हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर लेट्स टॉक अबाउट जीन फ्रांसिस लियोटार्ड एंड इनका वर्क द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज सो इन्होंने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की बात की ये वर्क पब्लिश हुआ 1979 में सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी होगी कि जिस टाइम के राइटर थे जैसे कि मॉडर्न जो मॉडर्निज़्म था उस टाइम पर राइटर्स ने वो लिखा जो उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था या सोशल सिनेरियो चल रहा था उसी के बारे में राइटर्स लिखते हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों की थिंकिंग चेंज हुई तो जो पहले जो चली आ रही राइटिंग्स थी पहले जो चले आ रहे वर्क था वो उससे डिफरेंट था वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे कि वेस्टलैंड में उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने तरीके से वर्क लिखा ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद यानी कि जब दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी उसके बाद का क्या सिनेरियो था लोगों की मैंटेलिटी कैसी थी उनकी थिंकिंग कैसी थी उसी से रिलेटेड वर्क लिखे जाने लगे लेकिन यहाँ पोस्ट मॉडर्निज़्म मॉडर्न से ही निकला है मॉडर्निज़्म से ही निकला है सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पोस्ट मॉडर्निज़्म रिजेक्ट करता है लेकिन मॉडर्निज़्म में मानी जाती थी तो फ्रांसिस लियोटर्न ने उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन किया है इस वर्क में सो आइए जानते हैं जैसे कि मेटा नरेटिव मेटा नरेटिव जो है ये मॉडर्निस्ट यूज़ करते थे लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा यानी कि लेटर्न ने कहा कि हम मेटा नरेटिव को रिजेक्ट करते हैं यहाँ पर नरेटिव होनी चाहिए लियोट सेड पोस्ट मॉडर्निज्म एज द इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स द मेटा मेटान ये फोकस करते थे मिनी और लोकल नरेटिव पे अभी हम जानेंगे कि मेटा नरेटिव है क्या और माइक्रो नरेटिव क्या है फिलहाल के लिए अभी इतना कि लियोटार्ड ने ये जो मेटा नरेटिव है इसे रिजेक्ट किया और ये बोला कि माइक्रो नरेटिव होनी चाहिए इनक्रेडिलिटी का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनविलिंग और अनेबल टू बीइंग समथिंग अनएबल टू बिलीव सम थेट मीन्स किसी चीज़ को रिजेक्ट करना जैसे कि मॉडर्निस्ट जो थे वो मेटानरेटिव को यूज़ करते थे लेकिन लोटर्ट ने आकर इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इनक्रूडेलिटी टू वर्ड्स मेटानरेटिव है मतलब कि इसको रिजेक्ट करती है सो नाउ वट इज मैटानिटिव मेटानरेटिव इज अ ग्राउंड थ्योरी विच अटेम्प्टू प्रोवाइड एन एक्सप्लनेशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स इट इज़ यूनिवर्सल अप्लाई इन ऑल प्लेसेज और एवरी वन अब ये एक ऐसी थ्योरी होती है जो यूनिवर्सल होती है जो हर किसी पे अप्लाई होती है मेटानिटिव इस तरह की चीज हो गई जैसे कि साइंस की हम साइंस पे बेस या फिर टेक्नोलॉजी पे बेस हम कोई भी थ्योरी देते हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होती है लेकिन ये तो हो गई रीज़न की साइंस की और टेक्नोलॉजी की बात बट अब इस इन चीज़ों को हटाकर अगर हम लिटरेचर की बात करें या सोसाइटी में चल रही किसी ऐसी चीज़ की बात करें तो क्या हम ऐसी थ्योरी दे सकते हैं जो यूनिवर्सल हो जो सब पर एप्लीकेबल हो कोई ऐसा ट्रुथ तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लिटर्ड कहते हैं कि हर इंसान सोसाइटी में चल रही चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देखेगा अपनी समझ से हर चीज़ का मल्टीपल मीनिंग होगा साइंटिफिक थ्योरी तक तो ये चीज़ ठीक है कि साइंस है उसमें रीज़न की बात है लेकिन इसके ऊपर भी आगे इन्होंने बहुत कुछ कहा है फिलहाल ये बात है कि मेटा नरेटिव की कोई चीज़ ऐसी थ्योरी दे देना जो यूनिवर्सल हो सब पर एप्लीकेबल हो लेकिन ऐसा नहीं है पॉसिबल हर इंसान अपनी समझ से उस चीज़ को देखता है जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि वट इज़ लाइफ तो कोई इसका नाम देगा कि जीना है और कोई देगा कि सिर्फ पैदा होना ही लाइफ है तो इट डिपेंड्स कि कौन अपनी समझ से किस चीज़ को किस तरह लेता है तो नरेटिव हम किसी चीज़ को यूनिवर्सल नहीं कह सकते यहाँ इसीलिए ये कहते हैं नरेटिव होनी चाहिए जो कि पर्टिकुलर है हर एक के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो सो ही सेड मेटा नरेटिव नीड टू बी रिप्लेस्ड विद नरेटिव विच आर सब्जेक्टिव पर्टिकुलर एंड टेम्परेरी यहाँ पर उस तरह की बात हो गई जैसे कि स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या डी थे जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया जैसे कि स्ट्रक्चरलिस्ट को हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्निस्ट जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट की तरह काम करते थे और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हुए जैसे कि मॉडर्निस्ट ने कहा कि सिर्फ रीजन का सहारा लेकर हम ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं मतलब कि हम क्वेश्चन करेंगे रीज़न करेंगे पूछेंगे रेशनैलिटी आएगी तो हम ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल जब तक सब्जेक्टिविटी नहीं होगी रीजन के साथ जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज को हर एक पे अप्लाई करके नहीं देखा होगा तो ये ट्रुथ कैसे पॉसिबल है दे सेड दैट देयर इज़ नो यूनिवर्सल ग्राउंड फॉर रियल और एब्सोल्यूट नॉलेज रियल और एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है बेसिकली वही वाली बात है कि नो सेंटर एट ऑल जैसे कि डेरिडा ने कहा कि कोई सेंटर नहीं है आज एक सेंटर है तो कल उसी चीज़ पे कोई बात होगी तो थोड़ी ही देर में सेंटर कुछ और बन जाएगा तो हर एक चीज़ के मल्टीपल मीनिंग्स वाली बात है यहाँ पर सो हाउ कैन यू रीच द ट्रूथ जैसा कि फूको ने कहा मिकैल फूको ने कि नॉलेज और पावर के ऊपर या डिस्कोर्स की जो बात कही है कि जो भी रिटर्न और स्पोकन चीज होती है वो डिस्कोर्स है और इस डिस्कोर्स को कंट्रोल करने वाले पावरफुल लोग हैं तो वो जो पावरफुल लोग हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं वही अपने तरीके से ट्रूथ बना रहे हैं तो रियल ट्रूथ क्या है आज जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए ट्रूथ कुछ और है जो डिस्कोर्स है वो कुछ और है लेकिन कल जो पावरफुल लोग होंगे उनके लिए डिस्कोर्स कुछ और हो होगा इसीलिए इनका कहने का जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने ये बात कही ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निस्ट भी इसी चीज़ में बिलीव करते कि नो सेंटर एट ऑल हर एक चीज़ के मल्टीपल मीनिंग्स हैं ट्रूथ कहाँ है ट्रूथ की बात की जा रही है तो रियलिटी कहाँ है हर किसी की नज़र में अपना एक अलग ही ट्रुथ है और अपनी एक अलग ही रियलिटी है ऐसे ही अगर लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रक्चरलिस्ट या मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं कि हर वर्ड या सिग्निफायर जो वर्ड होता है वो सिग्निफायर हमें सिग्निफाइड तक ले जाता है ऐसा मॉडर्निस्ट कहते हैं बट और उन्होंने कहा कि वर्ड्स जो है पिक्चर की तरह है कि रियल ऑब्जेक्ट की पिक्चर आ जाती है वर्ड बोलने पे लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने और पोस्ट मॉडर्निस्ट ने क्या कहा कि वर्ड्स आर नॉट पिक्चर और सिंबल, इट फिट्स वेयर वी नीड्स ये कोई पिक्चर और सिंबल नहीं है हम वर्ड को वहाँ फिट करते हैं जहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत है हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको फिट करते हैं और एक सिग्नीफायर दूसरे सिग्निफायर तक ले जाता है क्योंकि रियल कुछ भी नहीं है ट्रुथ कुछ भी नहीं है सेंटर कुछ भी नहीं है या ये कहें कि ये चीज़ें चेंज होती रहती है अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम इन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इन्हें फिट करते हैं सो so, टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज होता है सो so, ये लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं लोटर्स इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स डू नॉट कैरी विद इन दैम सेल्व्स दे आर ओन एजटीमेशन बट दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्लेयर्स इट मीन्स हर एक चीज़ के कोई रूल अपने साथ कैरी करके नहीं घूम रहा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी वर्ड की बात करें जैसे कि हमने बोला प्रेजेंट, तो हम उस प्रेजेंट का मीनिंग फिक्स नहीं कर सकते प्रेजेंट दो तरीके से हुआ एक तो किसी के लिए वो टाइम वाला प्रेजेंट होगा और किसी के लिए वो गिफ्ट वाला प्रेजेंट होगा ऐसा इनका कहना है कि हर एक चीज़ अपने साथ कोई रूल लेकर नहीं घूम रही अपने साथ कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है उसका फिक्स हम उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि हमें उसे कहाँ यूज़ करना है क्योंकि उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं सो so, लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स से रिलेटेड लैंग्वेज गेम से रिलेटेड इन्होंने ये बात कही ऐसे ही ट्रुथ को लेकर कहा कि जैसे फूको ने कहा कि ट्रुथ जो है डिस्कोर्स जो है हर किसी के अपना अपना बिलीफ है और उन बिलीफ को उन राइटिंग और स्पीकिंग को उन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कौन है जिसके हाथ में पावर है जो उस टाइम पर रूलिंग कर रहा है तो ट्रुथ भी क्या हुआ टाइम टाइम पर चेंज हो गया ऐसे ही सेंटर की बात जैसे डेरीडा ने सेंटर की बात कही कि देयर इज नो सेंटर एट ऑल और सेंटर जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है पर्टिकुलर फिक्स नहीं है हम उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है और जब तक हम श्योर नहीं है सब्जेक्टिविटी नहीं है एक एक हर किसी के लिए वो थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही दैट मीन्स अगर एक्सपीरियंस नहीं है नॉलेज नहीं है सब्जेक्टिविटी नहीं है तो वो थ्योरी बनाना कैसे पॉसिबल है हर किसी के लिए सो so, ऐसा नहीं हो सकता सो so, हर किसी का अपना अपना प्रस्पेक्टिव है यही पोस्ट मॉडर्निज्म की बात है सो इन शॉर्ट मॉडर्निस्ट जो थे वहाँ पर यूनिवर्सिटैलिटी थी दैट मीन्स वो जो थ्योरी बना रहे थे उनका कहना था कि ये सब पर एप्लीकेबल है लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट जब आए तो इनके वर्क में लोकेलिटी थी मिनी नरेटिव था यानी कि टेम्प्रेरी चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ों पर बेस्ड थी मॉडर्निज्म में जहाँ पर सर्टेनिटी थी जहाँ पर सारी चीज़ें फॉर श्योर कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही है सब पर एप्लीकेबल है वहाँ पर पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे वहाँ अनसर्टेनिटी थी कुछ भी श्योर नहीं है जो जैसे चल रहा है वो चल रहा है जहाँ मॉडर्निज्म में ट्रुथ की बात की गई है वहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ट्रुथ जो है हर किसी का अपना अपना ट्रुथ है सेंटर और स्ट्रक्चर की बात जहाँ मॉडर्निस्ट करते हैं कि हर एक चीज़ का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सेंटर है वहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट बात करते हैं नो सेंटर और नो no स्ट्रक्चर की इस तरह पोस्ट मॉडर्न जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट टाइम में डिफरेंट फॉर्म जो है नॉलेज की वो डेवलप हुई जो कि एसोसिएटेड है पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से अब जैसे कि वेस्टलैंड में फ्रेगमेंटेशन दिखाई गई है सोसाइटी का व्यू दिखाया गया है और जो वर्क है वो टाइम टाइम पर वो चेंज हो रहा है उसमें टॉपिक कभी किसी टॉपिक की बात की जा रही है तो कभी किसी टॉपिक की तो वो फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया है कि किस टाइम उस टाइम पर जिस तरह फ्रेगमेंटेड थी सोसाइटी वही वही असर पोइट्री पर भी पड़ा तो वहाँ पर होप भी दिखाई गई है वो बार बार बुद्धिज़्म की बात करते हैं या भगवान की बात करते हैं तो सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है जिसका असर पोयम पे भी पड़ा लेकिन साथ ही साथ होप भी दिखाई गई है सैडनेस दिखाई गई है पोइट्री में ब्लीकनेस दिखाई गई है वहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और जो उनके वर्क है वो भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जैसे कि एबसर्डिज़्म मैजिक रियलिज्म यानी कि मैजिक प्लस रियलिज़म डी जनरेशन ओपन एंडेड है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है कितने भी इंटरप्रटेट करो उसको अपने हिसाब से और एब्सर्डिज्म है कि लाइफ का मीनिंग है या नहीं है इन चीज़ों से रिलेटेड कि किसी चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस का मीनिंग है या नहीं फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड और ये जो चीज़ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलते हैं कि ठीक है यही फ्यूचर है ये चीज़ें अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं अब इन्हीं के साथ जीना है सो so, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उन्होंने हर एक चीज़ को मल्टीपल मीनिंग देने के लिए उसको ओपन छोड़ दिया है कि पढ़ने वाला इंसान रीडर जो है अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग अपनी समझ से उसके मल्टीपल मीनिंग क्रिएट कर सकता है सो so, इसी तरह ये थ्योरी जैसे कि लैंग्वेज की हो गई कि मॉडर्निस्ट कहते थे कि लैंग्वेज जो है सिग्निफायर जो है हमें सिग्निफाइड तक ले जाता है जो हम बोलते हैं वो इमेज आ जाती है लेकिन यहाँ पोस्ट मॉडर्निस्ट उस चीज को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि सिग्निफायर सिग्नीफाइ सिग्निफायर तक ही ले जाएगा वो सिग्निफाइड तक लेकर ही नहीं जा सकता क्योंकि रियलिटी कुछ है ही नहीं हर किसी के माइंड में एक अलग अलग इमेज होगी तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये सिग्निफाइड यही है यही सच है यही है बिल्कुल पर्टिकुलर वो थ्योरी तो सब पर एप्लीकेबल नहीं होती सो मल्टीपल मीनिंग्स के लिए ऐसे ही मेटा नरेटिव जो वो उसे फिक्स कर देते थे कि यही है यूनिवर्सली सबके लिए थ्योरी यही है तो उस चीज़ को रिजेक्ट किया और ये बोला कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो पोस्ट मॉडर्निज़्म जो है वो इनक्रूडेलिटी है मेटानेरिटिव की मतलब कि उसे रिजेक्ट करते हैं इसी तरह ट्रुथ की बात की प्लूरेलिटी की बात की मल्टीपल मीनिंग्स की बात की लैंग्वेज की सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इफ़ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू